आप इन तीनों चीजों को आपको किस तरह से खाना है। सबसे पहले आपको एक मुट्ठी के बराबर मूंगफली लेनी है। इसमें आपको ऐड करना है एक मुट्ठी काला चना और लगभग 10 से 15 दाने आपको किशमिश के लेने हैं। इन तीनों चीजों को आपको रात में पानी में भिगो कर रख देना है। साफ पानी में आप इसको भिगो कर रखिए, क्योंकि इसका जो पानी है उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको भी आपको इस्तेमाल करना है। इसलिए अच्छे तरीके से इसको धो करके साफ पानी में रात को भिगो कर रख दीजिए। अब अगली सुबह आप देख सकते हैं ये किस तरह से फूल चुकी हैं सारी चीज़ें। किशमिश, चना, मूंगफली, तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं और पानी इनमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से चबा चबा करके खाना है और साथ ही इसके पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसके पानी को भी आपको पीना है। तो इस पानी को आपको जरूर पीना है। इसमें चना, मूंगफली और किशमिश तीनों चीजों के पोषक तत्व मौजूद हैं। बिल्कुल भी फेंके नहीं, इसको जरूर पिए। अगर आप बड़े हैं तो 2 से 3 चम्मच तक आप इसे आराम से ले सकते हैं, और अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 2 चम्मच तक इसको दीजिए। और डेली आप इसे ले सकते हैं, सुबह सुबह आप इसे खाली पेट ले सकते हैं, या फिर आप इसे रात में दूध के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से अगर आप रोजाना 2 से 3 चम्मच भी इसको खा लेते हैं तो आपके शरीर की हर कमजोरी इससे दूर होती है। शरीर में ताकत, चुस्ती और फुर्ती आती है। आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती, जोड़ों, हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, आपकी स्किन अच्छी रहती है, बाल अच्छे रहते हैं, आपका डाइजेशन ठीक रहता है। ये आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिसको आप हर उम्र में ले सकते हैं। इस रेमेडी को रोजाना लेने से आप 75 की उम्र में भी 25 की चुस्ती और फुर्ती महसूस करेंगे, इतना असरदार है ये उपाय। आई होप गाइज आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।